माई चैनल, मैं हूँ आपकी पूजा और आई होप सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे स्पेशल जय श्री राम आप लोगों को हमारी तरफ से, सारे पीएस फैमिली को। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल, सॉरी कल का दिन बहुत ही स्पेशल था, जो बहुत अच्छे सब लोगों का बीता। और सोचा कि इतने दिन से ब्लॉगिंग मैंने नहीं की है, तो आज ब्लॉग किया जाए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुकिंग ब्लॉग, ऑब्वियस मैं किचन में हूँ तो कुकिंग ब्लॉग तो बनता है। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक आप लोगों को बहुत बहुत टेस्टी इजी रेसिपी आप लोगों को शेयर करूँ, जो जब मैं स्टडी करती थी कोलकाता में, तो वहाँ मैंने सीखा था। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इजी है, जिसको कुकिंग नहीं करने आता है, जिन्हें भी, तो वो बना सकते हैं। और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी, राइस तो सभी को कुक करने आता है, और मैं बनाने वाली हूँ बंगाली स्टाइल चोखा। यस, चोखा। तो ये सबों को पसंद है, आप बहुत क्विक क्विक बनता है। तो मैं चलती हूँ शेयर करने, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके लिए मैं पहले से ही मैं थैंक यू बोल देती हूँ आप लोगों को, जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। और मेरा बनाने से पहले, मुझे सबसे पहले लग गई है भूख, तो मैं मैगी बना लेती हूँ अपने लिए। पहले मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पहले तो पोटैटो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और अनियन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ सारे वेजिटेबल है, कुछ नहीं, और हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोगों के लिए है। सॉरी, मैं ऊपर वाला फ्रिज क्यों उठा रही हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, यहाँ की बैंगलोर की हरी मिर्च बहुत ही स्पाइसी होती है, मैं सच बता रही हूँ। आप अगर एक भी खा लिए, बहुत ही स्पाइसी, बहुत स्पाइसी होता है। और लास्ट में उसको सजाने के लिए अगर आपको नीड है तो आप क्लीन रखा है मैंने फ्रिज, बोल नहीं सकते आप लोग। फिर यहाँ मैं धनिया पत्ता का यूज़ करूँगी, सिंपल। और देखते हैं आप लोगों को कैसा लगा, और घर में ज़रूर ट्राई करना, मैं सच बता रही हूँ। और सबसे पहले मैगी खा लेती हूँ बहुत ज़ोरों की, मुझे भूख लगी है। और श्रेयांश अभी सो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग कर लेती हूँ कंटिन्यू। ओह माय गॉड, मसाला। और मैं बता देती हूँ रेसिपी के लिए पूरा कुछ भी अगर। तो यहाँ अब हो गया है मैगी बनके मेरी तैयार। अब मैं चलती हूँ, जल्दी से फिनिश करती हूँ और ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा देर वेट नहीं करवाऊँगी, और किचन से बाहर निकलना भी है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को खाने के बाद। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसा लगा वो ज़रूर बताना लास्ट के एंड में। तो चलते हैं कुकिंग स्टार्ट करने। आओ कमिंग। और हाँ, ज़रूर मस्ट ट्राई करना घर पे, बहुत इजी रेसिपी है। चलते हैं। A few moments later. तो आप तो जानते हो ये रेसिपी बंगाल की फेवरेट डिश में आती है, आलू बोंडा नहीं, आलू की चोखे एंड राइस, घी, मिर्च डाल के। तो आप देख सकते हो, देखने में इतना प्यारा है। तो चलते हैं, आलू को पहले बॉईल करते हैं कुकर में। दो सीटी में ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। कढ़ाई पैन में मैं एक तेल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च को फ्राई करती हूँ, प्याज को भी अच्छे से क्रंची फ्राई करती हूँ हरी मिर्च के साथ, और उसे निकालती हूँ। मेरा आलू बॉईल हो गया, और उसकी मैं कवर को हटा देती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करके, मैंने बोला ना बहुत इजी रेसिपी है, और जो फ्राई किया था रेड मिर्च को, उसको अच्छे से मैं उसको पीस लेती हूँ हैंड के थ्रू, और उसे मिक्स कर देती हूँ अनियन के साथ, उसको डेकोर करती हूँ, उसको उसमें नमक डालती हूँ, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल नहीं डाला, तो मज़ा किस बात की। तो ये देखो, अब इसे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचो खाने में कैसा लगेगा।
तो ये थी फेवरेट डिश हमारी आलू चोखा। और हाँ, अब चलते हैं मेन डिश पे, जो मैंने नहीं बताया पहले, मटर कर्ड जो राइस के साथ खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आपने तो कर्ड राइस खाई होगी ना, तो ये देखो ये और भी प्यारी है। ये बहुत इजी है। कर्ड में थोड़ा सा बेसन डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें हल्दी, थोड़ी सी कुछ मसाले और लाल मिर्च, अच्छे से पानी डालकर उसे अच्छे से फेंट लेंगे। उसमें फिर गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद पंचफोरन, कड़ी पत्ता, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसमें प्याज डालेंगे उसको छोंकने के लिए, जो छोंका आप लोग मारते हैं राइट, उसमें जो हम लोग अभी मिक्स पेस्ट बनाए थे उसे डालेंगे। और इसका फ्लो एकदम मीडियम रखेंगे, गैस का गैस, क्योंकि ये जल जाएगा। और ये होने के बाद 10 मिनट में हो जाता है। इसमें मैंने डाला है मटर और नमक के साथ, 10 मिनट्स मैंने छोड़ दिया है, और आप चेक कर लो ये कैसा बना है, हो भी गया है कि नहीं, पका है कि नहीं। तो इसे मैं ऊपर से इसमें मैं छोंक मार देती हूँ। छोंका तो सबको आता है मारने।